हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 6:07। तो अभी हम जा रहे हैं इको पार्क। सुना था कि इको पार्क में मतलब दिन में जाना अच्छा नहीं है, रात में जाना सही होगा, मतलब लाइटिंग वाइटिंग सब रात को मिलता है। तो इसलिए हम अभी निकल चुके हैं, हमारे जो गेस्ट है उससे निकल चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, मेरे दोस्त लोग सूरज, गुड्डू, मधु, तो हम चारों एक साथ जाएंगे इको पार्क। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं इको पार्क। यहाँ पर ऊपर देख रहे हो आप, ये है मेट्रो लाइन और हमारे पीछे है पार्क। तो चलो चलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी भी देखो कितना भीड़ है, आप क्राउड चेक कर सकते हो। तो पहले हम लोगों को टिकट काटना पड़ेगा, तो चार टिकट काट लेते पहले। कितने का है? हमारा एंट्री हो चुका है और क्या। तो अभी बज रहे 6:30, 7:30 पार्क बंद हो जाएगा। तो हमारा पास 1 घंटे है, तो 1 घंटे में जितना हम घूम सकते तो घूम लेंगे, लेकिन इसको घूमने में 1 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी हम 1 घंटे में जितना जितना पाए उतना हम कर लेंगे कवर। तो चलो चलते हैं। मुझे पता नहीं तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लेकिन अभी हम हैं इजिप्ट पर। इजिप्ट, ये देखो इजिप्ट, पीटर जॉर्डन। हमारे पास मतलब टाइम कम है, तो अभी हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो देखो अभी हम कहाँ पे हैं। यह है रॉक गार्डन, जो एक्चुअली चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन ये भी एज इट इज है। और अभी ये है ताजमहल, जो मतलब एज इट इज जो आगरा पे है, उस तरीके का है, उस तरीका का मतलब चमकता हुआ उस तरीका दिख रहा है एज इट इज। दुनिया का जो 7 अजूबा है, 7 अजूबा में ये भी एक है, जैसे ताजमहल जो दिल्ली में बना है, दिल्ली आगरे में। तो एक वेस्ट बंगाल में भी बना है कोलकाता पर, जो एक इको पार्क है, इको पार्क के बीचों बीच। ये देखो आप देख सकते हो। अभी हम है चाइना हरिद्वार। एक्चुअली रोम में है, रोम देश पर है। निकलो, टाइम नहीं है ज्यादा, तो पहले निकालना है। सामने काफ़ी जगह घूम लिया है, जो फ़ोटो खींचा है बहुत। तो ये फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है प्रेम डीनाथ। तो गाइस, ये जो पार्क है इको पार्क कलकत्ता का, ये इतना फेमस क्यों है? ये जो पार्क है, ये दुनिया नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल एंड अर्बन पार्क है। पार्क में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे 7 वंडर्स, जैसे ताजमहल हो गया, रॉक गार्डन हो गया, ऐसा 7 अजूबा इस पार्क के अंदर है। आपको एक साथ 7 अजूबा देखने को मिल जाएगा। और इस पार्क का 4 एंट्री एग्जिट द्वार है, मतलब 4 गेट है एंट्री एग्जिट। थक गए हैं हम पैदल चल चल के, मतलब अप्रोक्स 5 किलोमीटर हम ऐसे पैदल चले हैं। तो अभी हमको लगा है भूख, एक रेस्टोरेंट है, खाना बना खा के हम चल जाएंगे। Thank you.
बस इस वक्त हम है एक कलकत्ता जो एक मेले लगा हुआ है, तो मेले के अंदर है, आप देख सकते हो तो पीछे मेला लगा है। तो यह है हस्तशिल्प मेला, जहाँ पे मतलब अपने हाथों से कारीगर, अपने हाथों से काम किया हुआ चीज़ें यहाँ पे मतलब बिक रहा है। तो गाइस बहुत बड़ा मेला है कलकत्ता का है, इसको कहता है हस्तशिल्प मेला 2022। तो गाइस मेले से हम आ गए, बहुत ही खूबसूरत मेला था, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा मेले में हमने मतलब प्रवेश किया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। असल में कलकत्ता बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये वीडियो यही तक था, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।